तो हमारे पास है वर्लपूल की सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसमें हमें मौसम के हिसाब से इसकी थर्मोस्टेट कंट्रोलर को भी सेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सेट नहीं करते, मान लो टेम्परेचर फुल पे है और मौसम डाउन हो गया बाहर का, ठंडी की मौसम लग गई, तो दोस्तों फ्रीजर के ऊपर काफ़ी सारी बर्फ़ जम जाती है, या कई बार इसकी जो फ्रीजर की डोर है वो बर्फ पे जाम हो जाता है, जिसके कारण हम इस डोर को नहीं खोल पाते। तो दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम हो, उससे पहले हमें मौसम के हिसाब से यहाँ पर जो थर्मोस्टेट कंट्रोलर लगी है उसे हमें सेट कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लो लिखा है, और यहाँ पे देखते हैं तो मीडियम लिखा हुआ है, और इसके लास्ट में लिखा है हाई। इस थर्मोस्टेट कंट्रोलर के ऊपर ये बटन फिट है जिसमें एरो है, ये वाली। दोस्तों अभी की मौसम ठंडी की है, तो बाहर की मौसम अभी ठंड हो गया है, ऐसे में हमें इसकी जो टेम्परेचर कंट्रोलर है उसे लो में रखनी चाहिए, जिससे ये होगा कि हमें फ्रिज के अंदर जितनी कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी उतनी कूलिंग होने के बाद थर्मोस्टेट फ्रिज को अपने आप बंद कर देगा, और जब इस फ्रिज के अंदर जो कूलिंग की टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होगी, तो फिर उसे एडजस्ट करने के लिए थर्मोस्टेट फ्रिज को फिर से स्टार्ट करेगा। दोस्तों इससे ये होगा कि इसमें बहुत सारी बर्फ भी नहीं जमेगी, और हमारी जो बिजली है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं इसकी थर्मोस्टेट कंट्रोलर को कैसे सेट करते हैं। दोस्तों ठंडी के मौसम में हमें लगभग लो पे रखनी चाहिए, और जैसे ही ठंड से थोड़ी सी हल्की हल्की गर्म बढ़ती है तो हमें मीडियम में रख लेनी चाहिए, और दोस्तों पूरी गर्मी फुल गर्मी की मौसम लग गई तो हमें इसकी हाई पे इस तरह से थर्मोस्टेट कंट्रोलर को ज़रूर सेट कर लें। दोस्तों हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आपकी काम आए तो इसे आगे शेयर करना। हम फिर मिलेंगे फ्रिज से संबंधित नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।